भ्रष्टाचार की बात कब करेंगे? अभी नहीं करेंगे। महिलाएं कह रही कि आप तालाब के मुद्दा उठाए और उन्हें आश्वासन देकर आप खुद गायब हो गए। अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कौन करेगा? हमारे इधर के जो विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, कुछ हुआ नहीं, काम ही नहीं हुआ। आंदोलन को उठा देते हैं, लोगों को घर पे भेज देते हैं। कोई समय है उसका टाइम? अभी हो सकता हो करके देंगे, लेकिन आप ज्यादा बात करते हैं। महेश कामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, मुमरा के शंकर मंदिर का जो तालाब है, ये तालाब जो है अब इसका मामला बढ़ता ही जा रहा है। आज थाने महानगर पालिका के अधिकारी जो है इस तालाब पर विजिट किए और इस तालाब का जायजा लिए हैं। जो रीदा रशीद है, उन्होंने इस तालाब का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इस तालाब का मुद्दा उठा था और इस साल भी तालाब का मुद्दा उठा है, और पिछले साल की तरह ही इस बार भी आश्वासन मिला है कि तालाब का काम छठ पूजा के पहले ही टेम्पररी बेस पर करके दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है फिर इसका काम पूरा करके दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि इस तालाब को कुआं बनाकर छोड़ दिया गया है, दरअसल तालाब के चारों तरफ जो है सीढ़ी होनी चाहिए और उसके बाद पायरी होनी चाहिए, ताकि जो महिलाएं यहाँ पूजा अर्चना के लिए आती है वो आराम से तालाब में उतर कर पूजा यहाँ पर कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी इस तालाब में नहीं बनाया गया, सिर्फ एक ये आप देखेंगे कि एक ये गेट बनाया गया है। यू भी पिछले साल जब इस तालाब को लेकर काफी हंगामा हुआ था, उसके बाद यहाँ पर ये जो है सीढ़ी और थोड़ा सा नीचे की तरफ पायरी बनाकर दिया गया था। कहा गया था कि बाद में काम करके दिया जाएगा, लेकिन एक साल गुजर गए और जितने भी नेताओं ने दावा किया था उनके दावे धरे के धरे रह गए, कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन इस बार रीदा रशीद जो है तमाम महिलाओं की शिकायत मिलने के बाद वो फिर इस तालाब को लेकर एक्टिव हुई और आज थाने मनपा के तमाम अधिकारी यहाँ पर विजिट किए थे। इस दौरान रीदा रशीद और मनपा अधिकारियों से क्या कुछ बातचीत हुई है? मैडम, तालाब का निरीक्षण करने के लिए आए थे, क्या आपने जायजा लिया, क्या देखा तालाब के बारे में, क्या बताएंगे? अभी मुमरेश्वर तालाब की मैडम को रीदा मैडम के साथ। मैडम पहले अपना परिचय और नाम बताएं। मैं मनीषा प्रधान, मुख्य पर्यावरण अधिकारी ठाणे महापालिका। मैंने अपने रीदा मैडम के साथ अभी ये मुमरेश्वर तालाब की सब निगरानी देखी, तो उसमें छठ पूजा के लिए उनको महिलाओं को भक्ति भाव से पूजा करने के लिए साफ सफाई की जरूरत है, और ये थोड़ा सलिया वगैरह जो कुछ बाहर आया है जो लोगों को धोखा पहुंच सकता है उसको निकालने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो वो बात हम लोग करेंगे और पानी को साफ रखने की कोशिश करेंगे। और अगला जो टप्पा है उनको महिलाओं के पूजा करने के लिए स्टेप्स बना के चाहिए, तो अभी एक बारिश का पानी ज़्यादा है इसके लिए नहीं हो सकता, लेकिन अगली बार हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे जो कि महिलाओं को भक्तिभाव से छठ पूजा करनी आएगी। तो अभी हम लोग जो ये सलिया वगैरह है, साफ सफाई है, नीचे महिलाओं को बैठने के लिए वो सब दगड़ी वगैरह सब बिठा है, वो सब हम साफ करके उनको छठ पूजा के पहले दे देंगे। धन्यवाद मैडम। आप यहाँ पर निरीक्षण करने आई हैं, तालाब के बारे में आपके पास क्या डिटेल है? इसकी कितनी निधि निकली थी सुंदरीकरण को लेकर, और इस तालाब का सुंदरीकरण भी नहीं हुआ, इस तालाब को कुआं बनाकर छोड़ दिया गया, इसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मेरा प्रदूषण नियंत्रण कक्ष का डिपार्टमेंट है, ये सब सिविल वर्क का है, तो इसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है उनके हिसाब से तालाब ऐसा रहना चाहिए क्या? नहीं, अभी इसको क्या है थोड़ा साफ सुथरा बनाएंगे। तो तालाब मेरा कहना है कि लोगों के लिए है और लोगों का सुविधा से उनको संतोष मिलना चाहिए। नहीं, पहले खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, अभी कैसा है, अभी ये अपने वॉल बने हैं तो सुरक्षित बनी है, तालाब की बाउंड्री फिक्स हुई है, वो भी एक बात है, लेकिन उनको जो छठ पूजा के लिए जो चाहिए वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जरूर देख लेंगे।
न सीढ़ी बनी है, न जो है वहाँ पर उतरने के लिए महिलाओं का बना हुआ है, ऐसा हादसा होता है आखिर, तो ऐसे जिम्मेदार कौन होगा? 2 करोड़ रुपए की निधि आई थी इसकी, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ इसका, सब खा पी के घूम रहे हैं। जो इसमें सुनिए ना, इसमें जो भी कॉन्ट्रेक्टर थे, जो भी इंजीनियर थे इसको सुंदरीकरण करने के लिए, आप इसका निरीक्षण किए, आपको क्या लगा तालाब जैसा चाहिए वैसा नहीं है? अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कौन करेगा? छठ पूजा के बारे में हम लोग बात करने आए हैं अभी, तो छठ पूजा के बारे में ही बात आ रही है। छठ पूजा तालाब ही है ना, तालाब के मुद्दे से हम पूछ रहे हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार जो हुआ है उसका कौन इसके ऊपर कार्रवाई? पहले हम लोग उसका साफ सफाई करेंगे और महिलाओं को दे देंगे। भ्रष्टाचार की बात कब करेंगे? अभी नहीं करेंगे, कोई समय है उसका टाइम? हमारे भगत भी है। तो आपने सुना कि जो मनपा अधिकारी आई थी यहाँ पर तालाब का निरीक्षण किए, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में वो बाद में बात करेंगी। रीदा रशीद मैडम यहाँ पर है, आपने मनपा कमिश्नर से इस तालाब को लेकर मुलाकात की थी, क्या कुछ बातें हुई थी? और आज तमाम मनपा के अधिकारी यहाँ पर विजिट किए और साफ सफाई भी यहाँ पर की गई। देखिए, जैसे कि लास्ट टाइम जो भी इधर आंदोलन वगैरह हुआ, कुछ लोगों ने वो आंदोलन वगैरह उठाया लेकिन उसपे कुछ काम नहीं किया, लेकिन इस बार हम सभी बहने खड़े हैं, इस बार छठ पूजा को अच्छे से अच्छा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से मैंने कल कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की और उनको पत्र भी दिया कि बाबा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके दीजिए जो अभी हो सकता है 10-15 दिन में, क्योंकि अभी मैं उसके ज्यादा बात करने जाऊंगी तो वो नहीं होगा, क्योंकि जो आपको दिख रहा है तालाब बना है जो आधा अधूरा बना हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है इसको अभी जो हो सकता है वो करके देते हैं, लेकिन अभी हो सकता है वो करके देंगे, लेकिन आप ज्यादा बात कब कर दीजिए? ज्यादा बात तो बस अभी एक बार ये पानी उतरने दीजिए, और ये जैसा पानी उतरा और हमको लगेगा जब पानी उतर गया है उससे ज्यादा काम हो सकता है। बातें करने से हो जाती है क्या? बातें करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। यहाँ के लोग खाली बातें करते हैं, आंदोलन को उठा देते हैं, लोगों को घर पे भेज देते हैं, उसी से इनको लगता है हम सक्सेस हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीजें करनी पड़ती है। और एक विषय तो इनको पहले आ जाएगा, भाई निधि नहीं है। मुझे नहीं लगता है मुझे कोई निधि की जरूरत पड़ी, अभी मैं खाली गई, मुझे वक्त की जरूरत पड़ी, मुझे वक्त लोगों के लिए देना पड़ा, लेकिन खाली वक्त देने की वजह से ही आज इतना कुछ हो गया है। और आप कल देखोगे, कल से भी काम चालू होगा, और इस बार छठ पूजा में आपसे बात हुई है तो क्या बताया उन्हें, कौन कौन से काम जो है छठ पूजा के पहले तालाब के किए जाएंगे? अभी तो पहले तो ये पानी क्लियर करने के लिए, पानी साफ करने के लिए, ये जो दीवार पूरी काली है दीवार को साफ करने के लिए, और सबसे बड़ी बात कल मैंने कमिश्नर साहब से भी कहा, ये जो सलिया दिख रही है ऊपर, क्योंकि औरतें तो नीचे पूजा करती है, और अभी से नहीं है, पता नहीं नेता लोग अंधे हो गए हैं या दिखता नहीं है, लोगों की सेफ्टी समझ में नहीं आती है, ये जो सलिया है जो रॉड्स ऊपर है उसकी बात हुई, क्या मैंने बोला ये रॉड निकाल के दीजिए, उन्होंने कहा है, मैडम ने भी कहा है अभी कि मैं पहला वो करवाती, क्योंकि वो भी खुद देख के शौक हो गए, और नीचे ना पॉइंट वाले पत्थर गिरे हैं बहुत सारे, उसको भी उन्होंने कहा है मैं साफ करती हूँ। आपने ही तालाब का सबसे पहले जो है मुद्दा उठाया था, और उस समय तो आप लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब की बार काफी महिलाएं परेशान है, महिलाएं कह रही है कि आप तालाब के मुद्दा उठाए और उन्हें आश्वासन देकर आप खुद गायब हो गए। आज आप तालाब पर मिले जब आपको पता चला मनपा अधिकारी है, कुछ यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। नहीं, कैसा है कि उस समय हमारी कोशिश पूरी थी कि ये तालाब बन जाए, हमने जिससे जहाँ तक हुआ बात की है, हमने आंदोलन के लिए भी प्रयास किया आंदोलन करें, लेकिन वो हमारे इधर के जो विरोधी पक्ष नेता अशोक शानु पठान साहब वो आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये काम करेंगे, तालाब का काम आंदोलन अगर हम नहीं मत करो आप लोग, हम काम करेंगे। हम उनके आश्वासन पे ही मतलब हमने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन अब क्या रीजन हुआ क्या हुआ उससे उसके बाद कभी कुछ हुआ नहीं, काम ही नहीं हुआ। हमारा जो मकसद था काम, वो हमारा काम हुआ नहीं। इस बार मैडम रीदा मैडम जी हैं, वो हमें समर्थन दे रही है, वो हमें पूरा सपोर्ट कर रही है, आज उनके वजह से पूरा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है जो हमारे हमारे त्योहारों में रीदा मैडम का अच्छा सपोर्ट रहा है और रहेगा और हमेशा रहेगा। ये अभी क्या लग रहा है कि बना कर देंगी? मैडम से हमें भरोसा है कि मैडम अगर बनाती तो बहुत अच्छी बात है, और मैं यही सभी औरतों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैडम आप लोग का करके दे रही है तो बहुत बढ़िया है, मैडम का साथ दो आप लोग। तो आपने सुना कि तालाब को लेकर जिस तरह से आज यहाँ पर तमाम मनपा के अधिकारी यहाँ पर विजिट किए थे, और तालाब में आपको दिखाएंगे कि आज जो है यहाँ पर साफ सफाई भी की जा रही है, क्योंकि मनपा के तमाम अधिकारी यहाँ पर आए थे, लेकिन जिस तरह से ये देखेंगे आपकी दीवालों के ऊपर ये सरिया जो है निकली हुई है, ये काफी खतरनाक है, और ये जो सीढ़ी बनी है इसके नीचे जो पायरी है,
ये भी खतरनाक हो चुकी है क्योंकि वहां पर पत्थर काफी गिरे हैं और देखेंगे किस तरह से सलिया जो है निकली हुई है। अगर कोई महिला पानी में उतर कर जाती है पूजा करने के लिए और गिरती है तो इस तरह के जो सलिया है वो लग सकती है। बहरहाल ये सभी चीजों की दुरुस्ती के लिए जो है टेम्पररी बेस पर जो है यहाँ पर छठ पूजा के पहले ही काम करके दिया जाएगा। मनपा के अधिकारी जो यहाँ पर आए थे उन्होंने बताया है कि दीवालों को जो है पेंटिंग की जाएगी और जो पायरी वगैरह है सबका काम जो है करके छठ पूजा के पहले दिया जाएगा। लेकिन बाकी के जिस तरह से चारों तरफ सीढ़िया होनी चाहिए और नीचे पायरी होनी चाहिए जिस हिसाब से लोग इसमें उतर सके, तो ये काम जो है पानी जब इसका कम होगा उसके उस वक्त जो है रीदा मैडम और मनपा से पत्र व्यवहार करके जो है इसका काम किया जाएगा।